दृष्टि बाधितों के लिए टेलर फ्रेम द्वारा गणित शिक्षण। परमात्मा ने जिसको शरीर में कोई कमी दी है, कोई क्षति दी है, एकाध अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, हम उसे विकलांग कहते हैं और विकलांग के रूप में जानते हैं। लेकिन कभी कभी उनके परिचय में आते हैं तो पता चलता है कि हमें आंखों से उसकी एक कमी दिखती है, लेकिन ईश्वर ने उसको कोई एक्स्ट्रा पावर दिया होता है। मेरे मन में विचार आया, क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। प्रधानमंत्री जी ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए दृष्टि दिव्यांग जन की संज्ञा दी है। इससे दृष्टि बाधित लोगों तक ये संदेश पहुंचा है कि उनके हितों का ख्याल सरकार के उच्चतम स्तर पर रखा जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज, दिव्यांग जन, ये ऐसा संस्थान है जो पिछले 7 दशकों से दृष्टि बाधित लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहा है। इस संस्थान को पहले NIVH के नाम से भी जाना जाता था। ये दृष्टि बाधिता के क्षेत्र में देश की अग्रणी और मार्गदर्शक संस्था है। देहरादून में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन 43 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के तहत एक स्वायत्त संस्था के तौर पर काम कर रहा है और दृष्टि बाधित लोगों की प्रशिक्षण और पुनर्वास की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। आज इंस्टीट्यूट के 3 रीजनल सेंटर्स हैं, जो पूना मल्ली चेन्नई, सिकंदराबाद और कोलकाता में है, और एक कंपोजिट रीजनल सेंटर सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में है। संस्था का निरंतर प्रयास है कि लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने हेतु नए उपाय किए जाएं और दृष्टि बाधित बच्चों के शैक्षिक स्तर में सुधार किया जाए। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए आदर्श विद्यालय के जरिए आवश्यकता आधारित और गुणात्मक शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। संस्थान द्वारा इस टेलीफिल्म को बनाने का उद्देश्य है दृष्टि बाधित बच्चों के साथ काम करने वाले अभिभावकों और शिक्षकों को टेलर फ्रेम के बारे में एक विस्तृत जानकारी देना। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। 18वीं सदी में कैम्ब्रिज के गणित के प्रोफेसर निकोलस सॉन्डरसन ने सराहनीय प्रयास कर एक ऐसी पार्टी की रचना की जिससे विभिन्न गणितीय संक्रियाओं को हल किया जा सकता था। उनके कार्य से प्रेरित होकर इंग्लैंड के विल्बर फोर्स मेमोरियल नामक विद्यालय के प्रिंसिपल विलियम टेलर ने 19वीं सदी के मध्य में एक ऐसी पार्टी का निर्माण किया जिसे आज हम टेलर फ्रेम के नाम से जानते हैं। हमारे देश में भी ऐसे दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उच्चतम शिक्षा प्राप्त की है। इनमें प्रमुख नाम डॉक्टर सुषमा अग्रवाल का है, जो रामानुजन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी इन मैथमेटिक्स चेन्नई में सफलतापूर्वक गणित सिखाने का कार्य कर रही हैं। दृष्टि बाधितों को अंक गणित का अध्ययन कराने के लिए टेलर फ्रेम बहुत उपयोगी उपकरण है। इस उपकरण ने दृष्टि बाधितों के समक्ष गणित के प्रश्नों को हल करने में आने वाली कठिनाइयों को कम कर दिया है तथा उनके लिए गणित शिक्षण को आसान बना दिया है। दृष्टि बाधित बच्चों को हम टेलर फ्रेम के माध्यम से गणित के 4 मुख्य नियम, जोड़ना, घटाना, गुणा करना व भाग करने को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इन पर आधारित प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया जो होती है उसको भी स्टेप बाय स्टेप तरीके से सिखा सकते हैं। भिन्न, दशमलव, LCM, HCF, फैक्टराइजेशन, वर्गमूल या घनमूल ज्ञात करने के जो प्रश्न होते हैं उनको भी
अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। इसलिए इस उपकरण का प्रयोग आरंभिक वर्षों में विशेष रूप से 5वीं कक्षा तक अवश्य किया जाना चाहिए। आसानी से गणित कर सकते हैं। लेकिन सर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? टेलर फ्रेम का इस्तेमाल बहुत आसान है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये लकड़ी का बना एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है, जिस पर समान दूरी पर बने अष्टकोणीय छिद्रों वाली यानी ऑक्टेगनल होल्स की एल्यूमिनियम की एक चादर लगी होती है, तथा टेलर फ्रेम के दाहिनी ओर एक बॉक्स बना होता है जिसमे टाइप्स रखे जाते हैं। टेलर फ्रेम दो प्रकार के होते हैं, टेलर फ्रेम छोटा जिसमें अष्टकोणीय छिद्रों की 18 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 25 छिद्रों वाली एक एल्यूमिनियम की चादर लगी होती है, और दूसरा टेलर फ्रेम बड़ा जिसमें अष्टकोणीय छिद्रों की 25 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 25 छिद्रों वाली एक एल्यूमिनियम की चादर लगी होती है। विभिन्न अंकों, संख्याओं व गणितीय चिन्हों को लिखने के लिए टाइप्स का प्रयोग किया जाता है। टेलर फ्रेम पर दो प्रकार के टाइप्स, टाइप एक और टाइप दो का प्रयोग किया जाता है। ये शीशे की धातु के बने घनाकार होते हैं। टाइप एक का प्रयोग अंक गणितीय यानी अरिथमेटिक अंकों, संख्याओं और चिन्हों को लिखने में किया जाता है। टाइप दो का प्रयोग बीज गणितीय यानी अलजेब्रा के चिन्हों और संकेतों को लिखने में किया जाता है। आइए सबसे पहले हम टेलर फ्रेम पर अंक गणितीय टाइप्स को पहचाने। इनके एक सिरे पर एक रेखा उभरी होती है तथा दूसरी तरफ दो बिंदु उभरे होते हैं, जिन्हें स्पर्श कर एक दृष्टि बाधित विद्यार्थी आसानी से पहचान सकता है। टाइप्स के जिस सिरे पर एक रेखा उभरी हो उस सिरे को ऊपर को रखा जाता है और अष्टकोणीय छिद्रों में विभिन्न स्थितियों में दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घुमाकर टेलर फ्रेम पर लगाया जाता है और विभिन्न अंकों को लिखा जाता है। टाइप्स के इस उभरी रेखा वाले सिरे को ऊपर की ओर रखने और अष्टकोणीय छिद्रों में विभिन्न स्थितियों में दक्षिणावर्त घुमाकर 1 से 8 तक अंक बनाए जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तथा टाइप्स के दूसरी तरफ के उभरे हुए दो बिंदुओं वाले सिरे को अष्टकोणीय छिद्रों में ऊपर की ओर रखकर विभिन्न स्थितियों में दक्षिणावर्त घुमाकर लगाने से 2 अंक व 6 चिन्ह बनाए जाते हैं, जैसे 9, 0, योग, घटा, गुणा, भाग, दशमलव, समता चिन्ह। इस प्रकार अंक गणितीय टाइप्स की सहायता से कुल 16 अंक व चिन्ह बनाए जाते हैं। टेलर फ्रेम दृष्टिवान छात्र की गणित की कॉपी के एक पेज के समान है और टेलर फ्रेम पर गणित के प्रश्न उसी तरह से हल किए जाते हैं जैसे एक दृष्टिवान छात्र गणित की कॉपी के पेज पर करता है। तो आइए अब हम टेलर फ्रेम पर बीज गणित टाइप्स को पहचानते हैं। इसी तरह बीज गणित टाइप में भी अंक गणित टाइप की तरह दो सिरे होते हैं। बीज गणित टाइप्स के एक सिरे पर दो रेखाएं परस्पर लंबवत L अक्षर की तरह उभरी होती हैं, तथा दूसरी तरफ एक त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल क्षेत्र उभरा होता है। इन्हें देखकर या छूकर स्पष्ट पहचाना जा सकता है। बीज गणित टाइप्स के L शेप वाले सिरे को ऊपर की ओर रखकर विभिन्न चिन्ह बनते हैं, जैसे A, B, C, D, X, Y, Z और ओकेजनल पर्पस या प्रासंगिक चिन्ह, और दूसरी तरफ
त्रिभुजाकार क्षेत्र वाले सिरे को ऊपर की ओर रखकर प्रयोग करने पर हमें राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स साइन या घात चिन्ह या जिसे पावर साइन भी कहते हैं और रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल चिन्ह बना सकते हैं। टेलर फ्रेम को अपने सामने इस प्रकार रखें कि टाइप्स रखने का बॉक्स हमेशा आपकी दाईं तरफ रहे। ये बहुत आवश्यक है कि शिक्षक समय समय पर छात्रों के टेलर फ्रेम की स्थिति भी जांचते रहें। दृष्टिबाधित विद्यार्थी टेलर फ्रेम पर अपने दोनों हाथों की उंगलियों के प्रयोग द्वारा टाइप्स को लगाने, निकालने, संख्याओं व चिन्हों को पहचानने के लिए करते हैं। सबसे पहले दृष्टिबाधित विद्यार्थी को टेलर फ्रेम पर एक अंक लिख कर दिया जाता है और वो उसे पहचानने का अभ्यास करता है। जब छात्र अच्छी तरह से पहचान करना सीख जाता है तब उसे उसी प्रकार का अंक लिखने का अभ्यास कराया जाता है। उसके बाद दूसरे अंक बनाने के लिए टेलर फ्रेम के अष्टकोणीय छिद्रों में दूसरी स्थिति के लिए टाइप्स को थोड़ा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घुमाकर टेलर फ्रेम पर दो अंक बनाया जाता है। अध्यापक भी दृष्टिबाधित विद्यार्थी द्वारा टेलर फ्रेम पर लिखी संक्रियाओं की जांच करते समय टेलर फ्रेम के बॉक्स को अपनी दाईं ओर रखते हैं। तो आइए अब हम टेलर फ्रेम पर अंक व संख्याएं लिखने का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम टेलर फ्रेम पर अंक गणितीय टाइपों की सहायता से अंक तथा अंकों से बनी संख्याएं लिखने का अभ्यास करते हैं। अंक एक को लिखना। टाइप्स एक को लेकर आप इसके उस भाग को ऊपर की ओर कीजिए जिस पर रेखा बनी हुई है। अब इस टाइप्स को टेलर फ्रेम के किसी अष्टकोणीय छिद्र में इस प्रकार लगाइए कि टाइप पर बनी रेखा बॉक्स के ऊपर के दाएं कोने की ओर हो। अंक दो लिखना। टाइप्स को अंक एक वाली स्थिति से थोड़ा दक्षिणावर्त दिशा यानी क्लॉकवाइज घुमाने पर अंक दो लिखा जाता है। अंक तीन लिखना। एक बार पुनः टाइप्स को अंक दो वाली स्थिति से थोड़ा दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने पर अंक तीन बनता है। अंक चार लिखना। टाइप्स को अंक तीन वाली स्थिति से थोड़ा और क्लॉकवाइज घुमाने पर हमें अंक चार प्राप्त हो जाता है। अंक पांच लिखना। टाइप्स को अंक चार वाली स्थिति से थोड़ा और क्लॉकवाइज घुमाने पर हम पांच का अंक लिख सकते हैं। अंक छह लिखना। टाइप्स को अंक पांच वाली स्थिति से थोड़ा और क्लॉकवाइज घुमाने पर हम अंक छह लिखते हैं। अंक सात लिखना। टाइप्स को अंक छह वाली स्थिति से थोड़ा और क्लॉकवाइज घुमाने पर हम अंक सात लिखते हैं। अंक आठ लिखना। टाइप्स को अंक सात वाली स्थिति से थोड़ा और क्लॉकवाइज घुमाने पर अंक आठ लिखा जाता है। अब टाइप्स की एक रेखा वाली दिशा की ओर से बनने वाले सभी आठ चिन्ह लिखना हम समझ गए हैं। अब हम इसके दूसरे दो बिंदुओं वाले सिरे को ऊपर रखकर अष्टकोणीय क्षेत्रों में लगाकर दो अंक तथा गणित के चिन्हों को लिखना सीखेंगे। अंक नौ लिखना। टाइप्स एक लेकर आप इसके उस भाग को ऊपर की ओर कीजिए जिस पर दो बिंदु बने हुए हैं। अब इसे टेलर फ्रेम के अष्टकोणीय छिद्र में इस प्रकार लगाइए कि इन बिंदुओं का रुख ऊपर के दाएं कोने की ओर रहे, जैसे कि अंक एक की स्थिति होती है। अंक शून्य लिखना। टाइप्स को अंक नौ वाली स्थिति से थोड़ा दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने पर हमें अंक शून्य प्राप्त हो जाता है। तो आइए अब हम टेलर फ्रेम पर अन्य गणितीय क्रियात्मक चिन्ह जिन्हें ऑपरेशनल साइंस भी कहते हैं लिखना सीखें। योग चिन्ह यानी प्लस साइन लिखना। टाइप को अंक शून्य वाली स्थिति से थोड़ा और क्लॉकवाइज घुमाने पर हमें योग यानी प्लस चिन्ह प्राप्त हो जाता है। घटा का चिन्ह यानी माइनस साइन लिखना। इसी प्रकार टाइप्स को योग यानी प्लस वाली स्थिति में थोड़ा और क्लॉकवाइज घुमाने पर हम घटा यानी माइनस का चिन्ह बना सकते हैं। गुणा का चिन्ह यानी
मल्टीप्लिकेशन साइन लिखना। टाइप्स को घटा यानी माइनस वाली स्थिति से थोड़ा और क्लॉकवाइज घुमाने से गुणा का चिन्ह बनाया जाता है। भाग का चिन्ह यानी डिवीजन साइन लिखना। एक बार पुनः टाइप्स को गुणा वाली स्थिति से थोड़ा और क्लॉकवाइज घुमाने पर हम भाग का चिन्ह लिख सकते हैं। दशमलव का चिन्ह यानी डेसिमल साइन लिखना। टाइप को भाग वाली स्थिति से थोड़ा और क्लॉकवाइज घुमाने पर हम दशमलव का चिन्ह बनाते हैं। समता या बराबर का चिन्ह यानी इक्वल साइन लिखना। टाइप को दशमलव वाली स्थिति से थोड़ा और क्लॉकवाइज घुमाने पर हमें समता चिन्ह प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमने टाइप एक यानी अंक गणितीय टाइप्स को टेलर फ्रेम के अष्टकोणीय छिद्रों में विभिन्न स्थितियों में लगाकर 16 विभिन्न अंकों व चिन्हों को टेलर फ्रेम पर लिखना सीख चुके हैं। तो आइए अब हम टेलर फ्रेम पर अंक गणितीय संक्रियाएं लिखना सीखें। इसमें सबसे पहले हम संख्याएं लिखने का अभ्यास करेंगे। जिस प्रकार प्रिंट में संख्याएं लिखी जाती हैं, उसी प्रकार टेलर फ्रेम पर भी संख्याएं लिखी जाती हैं। संख्या 25 लिखना। पहले 2 और उसके दाएं तरफ 5 लिखें। संख्या 81 लिखना। पहले 8 लिखें, फिर उसकी दाएं तरफ 1 लिखें। संख्या 42 लिखना। पहले 4 लिखें, फिर उसकी दाएं तरफ 2 लिखें। आइए अब हम 3 या उससे अधिक अंकों से बनी संख्याएं लिखने का अभ्यास करें। संख्या 104 लिखना। पहले 1 लिखें, उसके दाएं ओर 0 लिखें और उसके दाएं ओर 4 लिखें, जिसका मतलब ये होगा कि 1 सैकड़ा, 0 दहाई व 4 इकाई है। संख्या 928 लिखना। पहले 9, फिर उसके दाएं ओर 2 और उसके दाएं ओर 8 लिखें। संख्या 6370 लिखना। पहले 6 लिखें, फिर उसके दाएं ओर 3 लिखें और उसके दाएं ओर 7 और उसके दाएं में 0 लिखें। टेलर फ्रेम पर योग, घटा, गुणा या भाग आदि के प्रश्नों को करते समय प्रिंट की तरह ही इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई तथा सैकड़े के नीचे सैकड़े के अंक लिखते हैं। सर, क्या हम टेलर फ्रेम पर योग के प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, आइए हम सीखते हैं। संख्याओं 105 तथा 236 का योग करना। सर्वप्रथम हम टेलर फ्रेम पर योग चिन्ह यानी प्लस साइन लगाते हैं और उसके दाएं ओर एक कोश यानी होल छोड़कर संख्या 105 लिखते हैं। अब हम एक के नीचे संख्या 236 का 2 तथा 0 के नीचे 236 का 3 तथा 5 के नीचे 6 लिखते हैं। इसके बाद हम योगफल टेलर फ्रेम की एक पंक्ति रिक्त छोड़कर इकाई के नीचे 1 तथा दहाई के नीचे 4 तथा सैकड़े के नीचे 3 लिखते हैं। इस प्रकार 341 योगफल प्राप्त होता है। संख्याओं 5038 जमा 142 जमा 29 का योग करना। इसी प्रकार हम पहले टेलर फ्रेम पर योग चिन्ह यानी प्लस साइन लगाते हैं तथा उसके दाएं ओर एक कोष्ठ छोड़कर संख्या 5038 लिखते हैं। अब इसके नीचे 142 तथा उसके नीचे 29 लिखकर योगफल को टेलर फ्रेम की एक पंक्ति रिक्त छोड़ 5209 के रूप में प्राप्त करते हैं। सर, क्या हम टेलर फ्रेम पर घटा का सवाल भी हल कर सकते हैं? हाँ हाँ, आओ मैं आपको सिखाता हूँ। 45 में से 15 घटाना। पहले हम
टेलर फ्रेम पर संख्या 45 लिखते हैं तथा इसके नीचे 15 लिखते हैं। घटा का चिन्ह नीचे वाली संख्या से पहले बाईं ओर एक कोष्ठ छोड़ लिखा जाता है। हल संख्या 15 के नीचे एक पंक्ति रिक्त छोड़ लिखते हैं। इस प्रकार हल 30 नियमानुसार लिखा जाता है। इकाई के नीचे इकाई एवं दहाई के नीचे दहाई। 1560 में से 315 घटाना। टेलर फ्रेम पर पहले संख्या 1560 लिखते हैं, उसके बाद इसके नीचे संख्या 315 लिखी जाती है तथा नियमानुसार घटा का चिन्ह नीचे वाली संख्या 315 के बाईं ओर एक कोष्ठ रिक्त छोड़ लिखा जाता है। हल संख्या 315 के नीचे एक पंक्ति रिक्त छोड़ 1245 लिखते हैं। सर, क्या हम टेलीफ्रेम पर गुणा के सवाल कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। 215 गुणा 5 करना। टेलर फ्रेम पर पहले संख्या 215 लिखते हैं तथा इसके नीचे गुणा करने वाली संख्या यानी गुणक संख्या 5 को इकाई के नीचे लिखते हैं। गुणा का चिन्ह गुणक संख्या के बाईं ओर सटाकर लिखा जाता है। हल गुणक संख्या 5 के नीचे एक पंक्ति रिक्त छोड़कर लिखा जाता है। इस प्रकार हल 1075 को एक पंक्ति रिक्त छोड़कर लिखते हैं। 1023 गुणा 16 करना। टेलर फ्रेम पर पहले संख्या 1023 लिखते हैं तथा इसके नीचे गुणक संख्या 16 लिखते हैं। गुणा का चिन्ह गुणक संख्या 16 के बाईं ओर सटाकर लिखा जाता है। इस प्रकार पहले 6 से गुणा करने पर उत्तर 6138 गुणक संख्या 16 के नीचे एक पंक्ति रिक्त छोड़कर लिखते हैं। अब संख्या 1 से गुणा करने पर हल को केवल 8 से नीचे का कोष्ठ छोड़कर उसके बाईं ओर लिखना शुरू करते हैं। पहले 3, उसके बाईं तरफ 2, उसके बाईं तरफ 0। गुणनफल की दोनों लाइनों का योग कर प्राप्त योगफल को एक पंक्ति रिक्त छोड़ लिखते हैं। संख्या 16368 हल के रूप में प्राप्त होती है। सर, टेलर फ्रेम पर भाग के सवाल कैसे करेंगे? आइए मैं आपको सिखाता हूं। 125 को 4 से भाग करना। टेलर फ्रेम पर भाज्य संख्या 125 लिखकर उसकी दाईं ओर सटाकर भाग का चिन्ह लिखते हैं और फिर उसके दाईं ओर भाजक संख्या 4 लिखते हैं। हल के लिए टेलर फ्रेम पर पहले हम भाजक 4 लिखते हैं तथा उसके दाईं ओर एक कोष्ठ छोड़कर भाज्य संख्या 125 लिखते हैं तथा फिर भागफल को भाज्य के ऊपर या उसके दाईं ओर एक कोष्ठ छोड़कर लिखा जाता है। भाजक 4 से भाज्य संख्या 125 के 12 को भाग करने पर पहला भागफल 3 आया। इसे 125 के दाईं ओर एक कोष्ठ छोड़ लिखा जाता है और 12 के नीचे 12 लिखते हैं। घटाने पर 0 यानी 0 प्राप्त हुआ। 0 को एक पंक्ति छोड़कर 12 के 2 के नीचे लिखा। अब भाज्य संख्या 5 को 0 की दाईं ओर लिखा और इसे 4 से भाग करने पर
दूसरा भागफल एक आया। इसे पहले भागफल तीन की दाईं ओर लिखा तथा चार को पांच के नीचे लिखा तथा घटाने पर प्राप्त शेष फल एक को एक पंक्ति छोड़कर चार के नीचे लिखा जाता है। इस प्रकार हमें भागफल 31 तथा शेष फल एक प्राप्त होता है। 4015 को 15 से भाग करना। टेलर फ्रेम पर भाज्य संख्या 4015 लिखकर उसकी दाईं ओर सटाकर भाग का चिन्ह लिखते हैं और फिर उसकी दाईं ओर भाजक संख्या 15 लिखते हैं। अब हल के लिए पहले टेलर फ्रेम पर हम भाजक 15 लिखते हैं तथा उसके दाईं तरफ एक कोष्ठ छोड़कर भाज्य संख्या 4015 लिखते हैं तथा फिर भागफल को भाज्य के ऊपर एक पंक्ति छोड़कर या उसके दाईं तरफ एक कोष्ठ छोड़कर लिख सकते हैं। 15 से भाज्य संख्या 4015 के 40 को भाग करने पर पहला भागफल 2 आया। इसे 4015 के दाईं तरफ एक कोष्ठ छोड़कर लिखा और 40 के नीचे 30 लिखा। इन्हें घटाने पर 10 प्राप्त हुआ। इसे एक पंक्ति छोड़कर 30 के नीचे लिखते हैं। अब अगली भाज्य संख्या 1 को 10 के दाईं ओर लिखते हैं। इस प्रकार अगली भाज्य संख्या 101 बनी। इसे 15 से भाग करने पर दूसरा भागफल 6 आया। इसे पहले वाले भागफल 2 के दाईं तरफ लिखा तथा 101 के नीचे 90 लिखा तथा इन्हें घटाने पर 11 प्राप्त होता है। इसे एक पंक्ति छोड़कर 90 के नीचे लिखते हैं। अब अगली भाज्य संख्या 5 को 11 के दाईं तरफ लिखा। ये 115 बनी। इसे 15 से भाग करने पर तीसरा भागफल 7 आया। इसे दूसरे भागफल 6 के दाईं तरफ लिखा तथा 115 के नीचे 105 लिखा। इन्हें घटाने पर 10 शेष फल प्राप्त हुआ। इसे 105 के नीचे एक पंक्ति छोड़कर लिखते हैं। इस प्रकार हमें हल के रूप में भागफल 267 तथा शेष फल 10 प्राप्त होता है। सर, मुझे दशमलव का सवाल करना सिखा दीजिए। आओ, मैं सिखाता हूँ। 25.17 जमा 6.48 का योग करना। टेलर फ्रेम पर पहले हम योग चिन्ह लगाते हैं तथा उसके दाईं तरफ एक कोष्ठ छोड़कर संख्या 25.17 लिखते हैं तथा इसके नीचे नियमानुसार दशमलव संख्या 6.48 लिखते हैं। इनका योग करने पर प्राप्त योगफल को 6.48 के नीचे एक पंक्ति छोड़कर लिखा जाता है। इस प्रकार हमें 31.65 प्राप्त होता है। तो आइए अब हम टेलर फ्रेम पर भिन्न संख्याओं के योग करने का अभ्यास करें। 1/2 जमा 3/4 का योग करना। टेलर फ्रेम पर पहले हम पहली भिन्न का 1 लिखते हैं तथा उसके ठीक नीचे संख्या 2 लिखते हैं तो ये 1/2 कहलाता है। अब 1 के दाईं ओर सटाकर योग चिन्ह तथा इसके दाईं ओर दूसरी भिन्न 3/4 लिखते हैं। अब इनके नीचे एक पंक्ति छोड़ बराबर का चिन्ह लगाते हैं तथा उसके दाएं एक कोष्ठ छोड़कर लिखना शुरू करते हैं।
लघुतम मिला 4 तथा सरल करने पर प्राप्त संख्याएं बराबर के चिन्ह के बाद दाईं ओर एक कोष्ठ छोड़कर 2+3 लिखते हैं तथा लघुतम 4 को योग चिन्ह के नीचे लिखते हैं। अब नीचे की एक पंक्ति छोड़ बराबर का चिन्ह लगाते हैं तथा उसके दाईं तरफ एक कोष्ठ छोड़कर प्राप्त योगफल 5/4 लिखते हैं। तो आइए अब हम टेलर फ्रेम पर पहाड़े यानी कि टेबल्स लिखने का अभ्यास करें। जिस प्रकार हम प्रिंट में कॉपी में पहाड़े लिखते हैं उसी प्रकार हम टेलर फ्रेम पर भी पहाड़े लिख सकते हैं। उदाहरण के रूप में आइए 5 का पहाड़ा लिखते हैं। आओ बच्चों, आज हम टेलर फ्रेम पर टेबल्स यानी पहाड़ों को लिखने का अभ्यास करते हैं। अब आप टेलर फ्रेम पर पहले 5×1=5 लिखिए, फिर इसके नीचे 5×2=10 लिखिए, इसके नीचे 5×3=15 लिखिए, फिर इसके नीचे 5×4=20 लिखिए, फिर इसके नीचे 5×5=25 लिखिए, फिर इसके नीचे 5×6=30 लिखिए, फिर इसके नीचे 5×7=35 लिखिए, फिर इसके नीचे 5×8=40 लिखिए, फिर इसके नीचे 5×9=45 लिखिए, फिर इसके नीचे 5×10=50 लिखिए। इस तरह टेलर फ्रेम पर 5 का पहाड़ा लिखा जाता है। 15 ब्रैकेट में 100+2 लिखना। सर, सर ये ब्रेल बुक में ब्रैकेट में 100+2 लिखा है, इसे टेलर फ्रेम पर कैसे लिखेंगे? बेटा टेलर फ्रेम पर हम ब्रैकेट्स को अलजेब्रा टाइप्स की सहायता से लिखते हैं। अब आप इसमें ऐसा करिए, इसमें एक अलजेब्रा वाली टाइप्स निकालिए। इसके जिस सिरे पर त्रिभुज यानी ट्रायंगल बना हुआ है उस सिरे को ऊपर की ओर कीजिए और इसका रुख अंक 2 की तरह लगाते हैं। ये बना ब्रैकेट ओपन या कोष्ठक शुरू का चिन्ह। अब आप इसकी दाईं ओर अंक गणितीय टाइप से 100+2 लिखने के बाद इसके दाएं ब्रैकेट क्लोज या ब्रैकेट बंद का चिन्ह बनाने के लिए अलजेब्रा वाली टाइप्स के त्रिभुज या ट्रायंगल वाले सिरे को ऊपर की ओर करें और इसका रुख इसे अंक 6 की तरह लगाते हैं। इस प्रकार टेलर फ्रेम पर ब्रैकेट में 100+2 सरलता से लिख सकते हैं। 15^2 लिखना। सर, हाँ बेटा। सर ये ब्रेल बुक में 15^2 लिखा है, इसे टेलर फ्रेम पे कैसे लिखेंगे? 15^2 टेलर फ्रेम पे लिखने के लिए हम पहले टेलर फ्रेम पर 15 लिखेंगे और फिर पावर का निशान या घात का निशान बनाने के लिए एक अलजेब्रा की टाइप्स लेंगे। फिर हम जिस सिरे पर त्रिभुज या ट्रायंगल का चिन्ह बना हुआ है उसे ऊपर की ओर कर इसका रुख हम अंक 4 की तरह करेंगे और 15 के दाएं तरफ लगाएंगे। ये बना घात का चिन्ह और इसके दाएं ओर हम अंक 2 को सटा कर लिखते हैं। अब इसके नीचे एक पंक्ति छोड़कर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तथा उसके दाएं ओर एक कोष्ठ छोड़कर लिखना शुरू करते हैं। इसके दाएं तरफ 15×15 लिखेंगे, फिर नीचे एक पंक्ति छोड़कर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके दाएं तरफ एक कोष्ठ छोड़कर इसका उत्तर 225 लिखेंगे। वर्गमूल में 81 लिखना। सर, ब्रेल बुक में वर्गमूल 81 लिखा है, इसको टेलर फ्रेम पर कैसे लिखेंगे? वर्गमूल का निशान टेलर फ्रेम में बनाने के लिए आप पहले एक अलजेब्रा वाली टैब्स लीजिए। फिर जिस सिरे पर त्रिभुज यानी ट्रायंगल का चिन्ह बना हुआ है उस साइड को ऊपर कर
इसका रुख अंक 8 की तरह और फिर इसकी दाईं तरफ संख्या 81 लिखेंगे। इस तरह बन जाता है वर्गमूल 81। टेलर फ्रेम पर टाइप्स का प्रयोग करते समय हमें कुछ आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए इन्हें जानें। टेलर फ्रेम के टाइप्स शीशे की धातु से बने होते हैं, इसीलिए ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण अध्यापक इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे इन्हें मुंह में ना डालें और टेलर फ्रेम पर कार्य करने के बाद सभी विद्यार्थी साबुन से अपने हाथ अवश्य साफ करें। मेरा यह मानना है कि दृष्टिबाधित बच्चों को गणित सिखाते समय गणना करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए टेलर फ्रेम का प्रयोग आज भी होता है और निकट भविष्य में भी होता रहेगा। मेरा अनुरोध है उन सभी लोगों से जो दृष्टिबाधित बच्चों के साथ कार्य करते हैं, विशेष रूप से जो गणित शिक्षण का कार्य करते हैं, वो गणना करना सिखाने के लिए टेलर फ्रेम का प्रयोग अवश्य करें।